स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, रिचर्ड कैंटिलन, कैंटिलन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिचर्ड कैंटिलन को आयरिश और फ्रेंच इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड कंट्री के थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करा है अपने इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इन्हीं की थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कैंटिलन के नाम से जानी जाती है, और कैंटिलन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी इन्होंने बताई है। कैंटिलन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिचर्ड कैंटिलन के। अगर मेन जो टॉपिक है इकोनॉमिक थ्योरीज़ के, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड करी है। किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप ये डिस्क्राइब कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का पहले बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किसी भी चीज़ के अंदर न्यूनेस लेकर आना, इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है। जो एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर लेकर आता है, बिजनेस में नए नए आइडियाज़ लाना, एक रिस्क लेना और रिस्क को गेन में कन्वर्ट करना ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। रिचर्ड डिस्क्राइब करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है। सबसे पहले, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हेल्ड द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाता है। एक ये स्पेकुलेटर है, ये स्पेकुलेटर का मतलब वो पर्सन जो लॉस और गेन के बीच में एक्सचेंज करता है, रिस्क लेता है, गेन करता है, यानी कि गैम्बलिंग खेलता है। तो एक ऐसा पर्सन जो लॉस और गेन के बीच में रहता है, 50% लॉस के चांसेस रहता है और 50% उसका गेन के चांसेस रहता है, ऐसी एक्टिविटी करता है, उसको स्पेकुलेटर कहता है। मार्केट के अंदर जब स्पेकुलेटर की बारी आती है, तो यहाँ पे वो पर्सन एंटरप्रेन्योर होता है जो एक स्पेकुलेटर है। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक स्पेकुलेटर की तरह माना गया है, सारे एक्सचेंजेस गेन करेगा, कंडक्ट करेगा, रिस्क भी बियर करेगा और ख़रीदेगा सर्टेन प्राइस पे, सेल करेगा अनसर्टेन प्राइस पे। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, रिचर्ड कैंटिलियन कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो रिस्क लेता है, किसी भी मार्केट में किसी भी प्राइस पे ख़रीद लेता है कोई भी प्रोडक्ट, और उसको ऐसी प्राइस पे बेचता है जो अनसर्टेन हो। यानी कि कम प्राइस में बेच खरीद कर ज़्यादा प्राइस में बेचना ये तो है ही, लेकिन इस तरीके से ऐसी प्राइस अगर ज़्यादा भी खरीद ले, कम भी खरीद ले, इसका कोई एक सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जब खरीदेगा और उसके बाद जब बेचेगा तो वो अनसर्टेन में रहेगा। सो रिचर्ड डिस्क्राइब एन एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेकुलेटर, यानी कि मार्केट में गैम्बलिंग खेलता है, मार्केट में गैम्बलिंग करता है, स्पेकुलेटर की तरह करता है, जो जिसका लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहता है, और रिस्क को बियर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है हमने पढ़ी वो रिस्क वाली पॉइंट पढ़ा है कि रिस्क को बियर करने वाला पर्सन यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा इन्होंने अपना जो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी बताया है कि वेयर एनीवन हु रिसीव एन अनसर्टेन इनकम कैन बी रिकॉर्डेड एज एंटरप्रेन्योर। पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति जो सर्टेन प्राइस में खरीदता है, अनसर्टेन बेचता है, एक तरीके से इनकम जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन प्राइस में बेचेगा तो किसी मार्केट में प्रोडक्ट को, तो अनसर्टेन इनकम रहेगी यहाँ पे, तो एक तरीके से वो पर्सन भी एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में ये बताया कि रिस्क लेकर काम करने वाला व्यक्ति, अनसर्टेन इनकम जनरेट करने वाला व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन कहलाता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। कैंटिलन थ्योरी के अंदर एक बात की इम्पोर्टेंस दी गई है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हमारी कंट्रीज़ के अंदर, वो एक हमारी कंट्री में की रोल प्ले करते हैं अनसर्टेनिटी लाने में। अनसर्टेनिटी लाने यानी कि अनसर्टेनिटी को क्रिएट करने में, अनसर्टेन इनकम क्रिएट करने में। जो रिस्क ज़्यादा लेता है उतना ज़्यादा वो गेन करता है। तो इस थ्योरी को इन्होंने प्रूफ करा है अपने कैंटिलन थ्योरी में, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस बताकर कि एंटरप्रेन्योर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो की रोल लेकर आते हैं इकोनॉमी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताई है कि एक्सचेंज करने का काम बहुत अच्छा करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी रिस्क लेते हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि मार्केट में बैलेंसिंग बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, जो एक अनसर्टेनिटी को क्रिएट करते हैं और मार्केट में एक्सचेंज और प्रोडक्शन को लेकर आते हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम को भी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने ये बताया है
कि किस तरीके से मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो स्टेट करता है कि कंट्री के अंदर कैसे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है। सो एंटरप्रेन्योर की एक इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल बताया है उनके डेवलपमेंट के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो मार्केट में किस तरीके से एंटरप्रेन्योर एक की रोल को प्ले करते हैं। सो हु प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमी बाय रिलीविंग द पैरालिसिस इनगेंटर्ड, यानी कि जो चीज़ पैरालिसिस हो चुकी है उसको वापस से क्रिएट करना, वापस से एक्टिव मोड में लाना मार्केट में, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल एंटरप्रेन्योर के द्वारा करा जाता है। तो कैंटिलियन ने एंटरप्रेन्योर की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है, अनसर्टेनिटी इनकम क्रिएट करने में, सर्टेन प्राइस को अनसर्टेन प्राइस में बेचने में, ये एंटरप्रेन्योर की बात इन्होंने बताई है। कैंटिलियन थ्योरी में एंटरप्रेन्योर को एक पर्सन कहा गया है बट इनोवेटर नहीं कहा गया है, ये इसके अंदर ये बात आती है कि कैंटिलियन ने एंटरप्रेन्योर को वो पर्सन कहा जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है बट नॉट एन इनोवेटर, दे कैन नॉट चेंज डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड। इनोवेटर का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि डिमांड में इनोवेशन, सप्लाई में इनोवेशन, ये यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी लाने में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना गया है। इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करने वाला इनोवेटर ही होता है और एंटरप्रेन्योर इनोवेटर है, बट कैंटिलियन स्टेट करते हैं इस चीज़ को कि दे कैन नॉट चेंज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है। कैंटिलियन ने बताया कि जो एंटरप्रेन्योर है वो परसेप्टिव, इंटेलिजेंट, दूरदर्शी, देखने वाला, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करने वाला, इंटेलिजेंट, विलिंग टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की इच्छा रखने वाला, और ऐसा पर्सन जो दो साइड देख सके मार्केट के, दोनों साइड, लॉस प्रॉफिट डिमांड एंड सप्लाई सारी चीज़ें के दो पहलू देखता है, दो साइड देखता है। तो उस चीज़ को भी इन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली कैंटिलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी लाने वाला, मार्केट में अनसर्टेन इनकम क्रिएट करने वाला, लेकिन इनोवेटर नहीं कहा गया है, डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, परसेप्टिव पर्सन, और अपने अपने बलबूते पर चलने वाला, एक तरीके से अनसर्टेन इनकम क्रिएट करने वाला ही एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंटिलियन कहते हैं कि अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर मार्केट में रहते हैं तो एक तरीके से मार्केट में डेवलपमेंट होगा, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होने में भी हेल्प करेगा। सो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो मेंटेन करता है वो ही एंटरप्रेन्योर होता है कंक्लूजनली इनके अकॉर्डिंग, लेकिन डिमांड सप्लाई को ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता, जैसे जैसे ट्रेंड आएगा उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग डील करने वाला ही पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सो कैंटिलियन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कंक्लूजन वे में इसी चीज़ को समझाती है कि एंटरप्रेन्योर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से वो मार्केट में रिस्क लेकर प्रॉफिट को क्रिएट करता है और मार्केट में आइडियल बनते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी।